सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को जन जन के हित के लिए गांव गांव तक पहुंचाई जा रही है। इसमें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, आयुष्मान गोल्डन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास आदि योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को दिया जा रहा है। ये कहना है अलीगढ़ जनपद के धनीपुर खंड विकास अधिकारी अवधेश कुमार मिश्र का। हमारे संवाददाता राजपाल सिंह आज ने उनसे खास बातचीत की। सर, मैं पहले तो आपका परिचय जानना चाहूंगा और फिर ये सरकार की कौन कौन सी ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जो फिलहाल आप क्षेत्र में लोगों तक पहुंचा रहे हो। मैं अवधेश कुमार मिश्र, खंड विकास अधिकारी धनीपुर हूँ। और सरकार की बहुत सी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो जन जन के हित के लिए गांव गांव तक पहुंचाई जा रही हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। यहाँ से उसमें सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम होता है और उसके लिए भी जो आवेदन मांगे जाते हैं और हर वर्ष उनका शादी कराई जाती है। और इस विकासखंड से 161 शादियाँ पिछले वित्तीय वर्ष में कराई जा चुकी हैं। इसके अलावा इस समय आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड निर्माण का कार्य चल रहा है जिसमें 5 लाख तक गरीब परिवार को इलाज फ्री की सुविधा मिलती है। और इस समय जो अंत्योदय कार्ड धारक हैं उनके और जो हमारे सूची से गरीब परिवार के लोग हैं उनका जो है कैंप लगा करके हर एक गांव में हमारे जो पंचायत मित्र हैं, आशा, आंगनबाड़ी और इनके जो पंचायत मित्र के साथ साथ ग्राम पंचायत सचिव हैं उनके माध्यम से इनके कार्ड जो है बनवाए जा रहे हैं। और काफ़ी मात्रा में लगभग 400-500 कार्ड पर डे हमारे इस विकासखंड से अपलोड हो रहे हैं और लगभग हम 60% से ऊपर इस लक्ष्य को पूरा कर चुके हैं। और नवागत मुख्य विकास अधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन में जल्दी ही हम इसको इस लक्ष्य को भी पूरा कर लेंगे। और सर, ऐसी कौन सी योजना है जो फिलहाल में जिसे गरीब जो पात्रता की श्रेणी में जो लोग आते हों, जैसे मुख्यमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस तरह के कितने लोग हैं ऐसे लक्ष्य जिनका जो अभी तक काम पूरा हुआ और अधूरे रह गए हों? हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री आवास में 112 लाभार्थियों का नाम चयनित किया गया है जिनके लगभग 101 लोगों को प्रथम किस्त का भुगतान भी किया जा चुका है और आवास निर्माण कार्य की प्रक्रिया चल रही है, भुगतान किया जा चुका है। कितने लोगों को? 66। अच्छा। 66 लोगों को द्वितीय किस्त का भी भुगतान किया जा चुका है। प्रथम किस्त के रूप में 40,000 रूपए, द्वितीय किस्त के रूप में 70,000 रूपए और तृतीय किस्त के रूप में 10,000 रूपए का भुगतान इनको किया जाता है। और वो उसके सब स्टेजेज निर्धारित हैं, उस स्टेज के आधार पर जियो टैगिंग होती है मौके पे और उसके बाद तब उनको अगली किस्त देने की प्रक्रिया की जाती है। तो लगभग हमारे यहाँ 66 लोगों को भुगतान किया जा चुका है और सारे आवास जो है वो निर्माण की प्रक्रिया में है। सर, मेरा एक अंतिम प्रश्न होगा आपसे, जिनके यहाँ शौचालय बने हुए हैं गांवों में और जो उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनके लिए आप लोगों ने क्या योजना बनाई है जो वो लाभार्थी उसका लाभ उठाए शौचालय का? अब वो जो है इनको हमारे यहाँ खंड प्रेरक भी हैं, ग्राम पंचायत सचिव हैं और हमारे ग्राम पंचायत पंचायत सहायक हैं, उस सबके माध्यम से विभिन्न बैठकों के माध्यम से और ग्राम प्रधानगण के माध्यम से हम लोग सबको प्रेरित करते हैं, मोबिलाइज करते हैं कि वो लोग अपने यहाँ जो शौचालय बने हुए हैं उनका प्रयोग करें जिससे कि गांव का आपका खेत है, वन है, बाग है, ये सब जो है यहाँ पे प्रदूषण ना फैले और इससे जो है कोई गंदगी से पैदा होने वाली बीमारियां ना फैलें। और संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी इस समय चल रहा है हमारा, तो उन सबके लिए पूरा जन जागरण, सफाई अभियान और सबके सबको जो है इन गंदगी से होने वाली बीमारियों के बारे में तो ग्राम पंचायत में बैठ के करके वहाँ पे सबको ये कार्यक्रम संचालित किया जाता है। फिर अभी अब जैसे अब जो समय चल रहा है ये इस समय पर गर्मी अब आने वाली है और आ ही चुकी है तो मच्छरों का प्रकोप रहेगा जी, तो उसके लिए आप ये गोल्डन कार्ड और मच्छरों के लिए सर आप क्या संदेश देंगे लोगों के लिए? हम सभी से अनुरोध करते हैं, जन जन से, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं कि जिस गंदगी से जहां पर भी जो है गंदगी है उसके सफाई का भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लोग भी अपने कूड़े को सही ढंग से निस्तारित करें, गांव में गंदगी ना पैदा करें और इससे जो है जो इससे जनित रोग हैं उससे लोगों का बचाव करें। और जहां तक गर्मी आ रही है, गर्मी के लिए ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारे क्षेत्रों में जो भी हैंडपंप रिपेयर योग्य हैं या हैंडपंप मरम्मत योग्य हैं उन सबकी सूची सर्वे के करके मंगाई गई है और जल्दी ही सीडीओ मैडम के दिशा निर्देश के अनुसार उन सबके मरम्मत कार्य और रिपेयर का कार्य कराया जाएगा। जी, आपने डेली न्यूज से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।